हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक नया वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे BGMI गेम पे अपने फ्रेंड को आईडी सर्च करके कैसे अपने ऐड कर सकते हो। BGMI गेम पे अपने फ्रेंड को कैसे आप ऐड कर सकते हो आईडी सर्च करके। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताऊंगा और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अगर आपने BGMI गेम पे अपने फ्रेंड के साथ आप खेलना चाहते हो तो वह सबसे पहले अपने फ्रेंड को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके काफी आसान से अपने फ्रेंड के साथ आप खेल सकते हो या तो अपने टीम कोड को भी यूज करके अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने आईडी को सर्च करके BGMI गेम पे अपने फ्रेंड को कैसे ऐड कर सकते हो या तो दोस्तों आप न्यू फ्रेंड को भी आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको BGMI गेम को ओपन कर लेना है। अपने फ्रेंड का जो आईडी है आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। अपने फ्रेंड का जो आईडी है कैसे आपको मिलेगा, तो गाइस सबसे पहले अपने फ्रेंड को बोलिए BGMI गेम को ओपन करने के लिए। और ओपन करने के बाद यहाँ पर होम पेज में जैसे वो आ जाता है यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर जो प्रोफाइल फोटो है प्रोफाइल फोटो में क्लिक करने के लिए बताइए। तो गाइस यहाँ पर आपको दो आईडी आपको मिल जाता है, एक तो है यू आईडी आपको मिल जाता है और यहाँ पर इन गेम नेम आपको मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो यू आईडी है आप कॉपी कर सकते हो या तो इन गेम जो नेम है उसको नेम को भी आप कॉपी कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप यू आईडी को आप कॉपी कर लीजिए। यू आईडी कॉपी करने के बाद अपने फ्रेंड को बताइए व्हाट्सएप से या फेसबुक से या मैसेज के द्वारा आपको सेंड करने के लिए। जैसे अपने फ्रेंड यहाँ पर मैसेज या व्हाट्सएप में सेंड कर देगा तो उसी जो यू आईडी है अपने फ्रेंड का उसको सिंपली आप कॉपी कर लीजिए। तो कॉपी करने के बाद सिंपली अपना BGMI गेम को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद अपना BGMI गेम पर होम पेज में आप यहाँ पर आ जाओगे। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा तो इसी ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस आपको ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पर 00 यहाँ पर दिखा रहा है, कोई भी यहाँ पर फ्रेंड नहीं है। तो गाइस अभी सबसे पहले फ्रेंड को ऐड करने के लिए सबसे पहले ऊपर में आपको प्लस वाला आइकन दिख रहा है तो प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करना है। और गाइस प्लस वाला आइकन में जैसे अपने यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ऊपर में अपने फ्रेंड को आईडी को सर्च करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटर योर नेम या तो यू आईडी आपको यहाँ पर दे देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने यूजर आईडी को दे दिया हुआ, अभी आपको राइट साइड में आपको सर्च वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे दोस्तों अपने सर्च वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे अपना जो भी फ्रेंड है यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों अपने फ्रेंड को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे और गाइस नीचे आपको सेंड का ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे अपने सेंड का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो गाइस उनके पास उसी फ्रेंड के पास एक रिक्वेस्ट जो कि सेंड हो जाएगा और जैसे वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा वो जो फ्रेंड है आपके फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अभी दोस्तों देखते हैं अपना जो फ्रेंड है वो कैसे अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताता हूं अपना जो फ्रेंड है वो कैसे अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद कैसे अपने फ्रेंड के साथ एक्साइट आप खेल सकते हो। तो जैसे दोस्तों अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट उनको सेंड कर दिया, फिर उसके बाद अपने जो फ्रेंड है वो सिंपली BGMI गेम को ओपन करेगा और यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पे आएगा। तो गाइस इस साइड में आपको वही ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जैसे वो क्लिक करेगा तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा। आप चाहे तो वो नोटिफिकेशन में क्लिक कर सकते हैं या तो यहाँ पर जो प्लस वाला आइकन है प्लस वाला आइकन में भी वो क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐड फ्रेंड का ऑप्शन। सिंपली दोस्तों आपको ऐड फ्रेंड का ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे वो ऐड फ्रेंड का ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो गाइस उसके पास जैसे अपने फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया तो वही जो रिक्वेस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो गाइस आप चाहे तो उसको इग्नोर कर सकते हो या तो अपने एग्री भी कर सकते हो। तो गाइस अपने फ्रेंड को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको एग्री में क्लिक करना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एग्री में क्लिक करूंगा। दोस्तों जैसे मैं एग्री में क्लिक करूंगा तो वो जो फ्रेंड है अपना फ्रेंड लिस्ट के ऐड में वो ऐड हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि पहले कोई भी फ्रेंड नहीं था, तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पर एक फ्रेंड यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं BGMI गेम पे अपने फ्रेंड को आईडी सर्च करके ऐड करने के बाद कैसे अपने फ्रेंड के साथ गेम प्ले कर सकते हो। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले अपना जो फ्रेंड है फ्रेंड को भी आपको ऑनलाइन होना चाहिए और आपको भी ऑनलाइन होना चाहिए। जैसे अपने BGMI गेम को ओपन करके होम पेज में आएंगे और यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे अपने क्लिक कर लेते हो अपना जो फ्रेंड है वो अगर ऑनलाइन पे है तो आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन मिल जाएगा। जैसे अपने यहाँ पर प्लस वाला आइकन में क्लिक करेंगे फिर उसके पास एक रिक्वेस्ट को सेंड होगा और उसी रिक्वेस्ट जैसे वो एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद आप देखेंगे काफी आसान से यहाँ पर अपने बाजू में अपने जो फ्रेंड है वो खड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद आप एक साथ गेम प्ले स्टार्ट कर सकते हो।